सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक बार फिर से चीन की खास अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। पिछले दो साल से जो भाजपा गोदी मीडिया मोदी जी और योगी जी आपसे छुपा रहे हैं, लगातार मैं आपको वो पॉइंट टू पॉइंट सबूत के साथ बता रहा हूं। जो बात पिछले दो सालों से मैं कह रहा हूं, अब वो कुछ कुछ अखबारों ने बोलना शुरू कर दिया है। सच की यही खासियत होती है, इतना आसान नहीं होता कि सभी बोल पाए, लेकिन खासियत ये होती है कि सच को कितना भी दबा लो या अपने आप स्प्रिंग की तरह निकल के सामने आ जाता है। सच को जितना तेजी से दबाओगे, सच स्प्रिंग की तरह होता है, दब तो जाएगा लेकिन उछल के उतनी तेज से सामने आएगा। दोस्तों ऐसा ही हो गया है, चीन ने अब सैटेलाइट तैनात कर दिया है। और आपको बता दूं, महाशक्तिशाली सैटेलाइट, दुनिया में जो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर सैटेलाइट है वो अमेरिका का है। लेकिन अब अमेरिका ने खुद कह दिया है कि हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली सैटेलाइट चीन का है। क्यों, कैसे और क्या है इसमें, और इससे भारत को क्या है खतरा, आसान जबान में इस रिपोर्ट में समझने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सुबह बासी मुंह गू खाते हैं और रात को सोने से पहले गौमूत्र पीते हैं तो माफ कीजिएगा, आपको सुबह शाम मोदी जी भगवान ही लगेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीनी वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप इस रिपोर्ट को यहां पर छोड़ सकते हैं और दीवार में जाके दीवार पकड़ के मोदी मोदी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे से कीजिए। क्योंकि आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, मोदी। आपको पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मोदी मोदी। आपको अच्छा घर नहीं चाहिए, जेब में पैसे नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं चाहिए, सड़कें अच्छी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, मोदी मोदी। ऐसे दीवार पकड़ के मारे चले जाओ, फैयाज टक्कर बन जाओ। हाँ यही वाले फैयाज टक्कर, सारा दिन बने रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपको बता दूं कि चीन ने खतरनाक सैटेलाइट इस तरह से तैनात कर दिया है कि अब भारत की सेना की हर हरकत पर वो नजर रख सकता है। अब आपको लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं, और अब बाबा हम झूठ क्यों बोलेंगे, अरे लगाओ रे भैया फुल स्क्रीन पर लगाओ ना, लगाओ। हाँ बहुत बढ़िया, ये देखिए दोस्तों क्या लिखा है, चीन ने तैनात किया महाशक्तिशाली सैटेलाइट, भारतीय सेना के हर हलचल की कर लेगा निगरानी। नव भारत टाइम्स में छप चुका है ये, अपनी आंखों से, इसलिए सुकून से फुल स्क्रीन पर लगाते हैं हम, ताकि जो भी गू खाने वाले हैं कम से कम उनका दिमाग अगर खराब है, दिल खराब हो गया है, खून की जगह गौमूत्र दौड़ रहा है, तो कम से कम आंखों से तो पता चले पढ़ने के बाद कि अच्छा ये सच में ऐसा हो गया है। अब फैयाज टक्कर वाला हाल है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उनका। बहरहाल अब आपको बता दें कि चीन जो है भारतीय सेना की हर हथियार पर नजर रख सकता है। सैटेलाइट इमेज इतनी खतरनाक तरीके से वो कैप्चर कर रहा है कि अगर भारतीय सेना अपने हथियारों को इधर से उधर ले जाती है, यानी मूवमेंट करती है, किसी भी हथियार की तैनाती और शिफ्टिंग करती है, तो उसकी पूरी जानकारी अब चीन के पास होगी। यानी आप इस बात से समझ लीजिए कि चीन ने अपनी तीसरी आंख आसमान में यानी अंतरिक्ष में तैनात कर दी है। चीन का ये शक्तिशाली सैटेलाइट सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस कैमरे और एआई से लैस है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है, यानी अमेरिका की तकनीक से भी एडवांस। अब आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि इस सैटेलाइट का नाम है बीजिंग 3। जी हाँ, कई सैटेलाइट चीन की ऑलरेडी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन चीन की बीजिंग 3 सबसे खतरनाक है, जो कि दुनिया में किसी भी देश के सड़क पर कोई भी हथियार की मूवमेंट हो रही हो, सोचिए कितनी बड़ी बात है। उन सब की जानकारी अब चीन के पास बड़े आराम से होगी। आइए उस सैटेलाइट का लॉन्च वीडियो आपको दिखा देता हूं, देखिए। दो
दोस्तों चीन का यह सैटेलाइट भारत के लिए काफी खतरनाक बन चुका है। चीन लद्दाख में लगातार भारत के खिलाफ और कई जगह भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। और आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट सिर्फ चीन के लिए फायदेमंद नहीं है, पाकिस्तान और चीन के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ वो जानकारी साझा कर सकता है। इसलिए भारत के लिए और ये बड़ी मुसीबत हो चुकी है। आपको बता दूं कि भारत के हर हरकत पर अब चीन की नज़र है। अमेरिका इसी वजह से अब ज़्यादा चिंतित हो चुका है। आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट लॉन्च होते ही सबसे पहले अमेरिका के शहर को स्कैन किया गया था इस सैटेलाइट से, जो कि 500 किलोमीटर ऊंचाई से ये सैटेलाइट गुजरा। और तेज़ी से गुजरते हुए, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है कि इतनी तेज़ी से गुजरते हुए इतने ज़्यादा पूरे शहर को एक बार में इसने स्कैन कर लिया और जो भी हथियार तैनात थे अमेरिका के उसकी सारी जानकारी चीन को मिल गई, जिसके बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक यांग फांग ने कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब तक की सबसे एडवांस और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। चीन की यह टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है और इतनी क्लियर इमेज और लाइव अपडेट। जी हाँ, जब सैटेलाइट इमेज कैप्चर करता है तो कैप्चर करने का एक टाइम, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप गूगल मैप खोलते हैं और सैटेलाइट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं किसी एरिया को देखने के लिए, तो कुछ टाइम लेता है उसकी इमेज कैप्चर करने के लिए, उसकी इमेज दिखाने के लिए। और आपको बता दूं कि वो टाइम टू टाइम गूगल पिक्चर क्लिक करता है उस एरिया की और वो एक JPG की तरह आपके सामने अपडेट होता है। वो भी टाइम लगाता है अपडेट होने में, वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाता है, राइट? लेकिन चीन का ये सैटेलाइट लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है, एक्चुअल फुटेज दिखाता है, लेटेस्ट अपडेट देता है और ये अमेरिका की सैटेलाइट से काफ़ी तेज़ है। और तो और लाइव स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरी जगह उसको एक्सपोर्ट करने में डिले हो रहा है, यानी 5 मिनट पहले शूट हुआ और 5 मिनट बाद वहाँ दिख रहा है। ऐसा डिले चीन के इस सैटेलाइट में नहीं है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और जिससे साबित हो गया कि चीन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का जो सैटेलाइट है वर्ल्ड व्यू 4, ये सबसे एडवांस है अब तक का, लेकिन अब उसकी टक्कर में चीन ने ये सैटेलाइट बनाया है जो काफ़ी कामयाबी से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत, एज एन इंडियन मैं बता दूं कि ये भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि चीन इस सैटेलाइट को पाकिस्तान और तुर्की से भी शेयर कर सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा। अंधभक्तों को मैं जूता मारिएगा, अंधभक्त देखिए इस पर चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, बस वो हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमानों को मारने की बात कहेंगे, ईसाइयों के ऊपर हमला शुरू कर देंगे। औकात नहीं है इन अंधभक्तों की कि धर्म संसद में चीन के खिलाफ कोई बयान दें, क्यों? चीन वहीं से इनको चपेट मारेगा। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाक्राफी। जय हिंद।